तो प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर के हरमू रोड स्थित गाड़ी खाना के आवास से ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। तकरीबन 45 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। बैंक अधिकारियों को बुलाया गया है, नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई है और उसके बाद कैश वैन में और 12 बक्से भी मंगवाए गए हैं। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। यह पूरी कार्रवाई उसी लिंक से हो रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के लिंक से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी देखी जा रही है, कैश बरामद किया जा रहा है, जेवरात बरामद किया जा रहा है। तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर ये दबिश। परिवर्तन निदेशालय ने रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर और कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर के हरमू रोड स्थित गाड़ी खाना के आवास से ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। 45 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। बैंक अधिकारियों को बुलाया गया है, नोट गिनने वाली मशीनें लगाई गई है और उसके बाद कैश वैन में और 12 बक्से भी मंगाए गए हैं। तो ईडी ने कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था और ये पूरी कार्रवाई उसी लिंक से हो रही है। दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है तकरीबन करोड़ों रुपया कैश बरामद की गिनती करने के बाद इन पैसों को ले जाने के लिए बैंक के तरफ से जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं सारी चीजों को यहाँ से लेकर आके फिलहाल वो गाड़ी पहुंची है जिन गाड़ी पर पैसे को लेके जाना है, क्योंकि जो पैसे का ट्रांजेक्शन है जो कि पीएनबी बैंक के द्वारा इन पैसों को जब्त किया जाएगा। ऐसे में सारे जो आप देखें तो अलग अलग बक्सों में सामान को ले जाने के लिए जो है यहाँ पर बैंक के अधिकारियों के द्वारा बक्सा मंगवाया है और 8 बक्सा पर लेकर के पहुंचे हैं। इस 6 बक्सा जो है वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। बक्सों पर पैसों को भर कर जो है बैंक में जमा करने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीजें जो है वो की जाएगी। हम तस्वीरों के माध्यम से पल पल की जानकारी दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग बक्सों को यहाँ पर मंगाया गया है। सुरक्षा गार्ड के जो लोग हैं जो बैंक को पैसे जमा करते हैं उन तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इन बक्सों के माध्यम से सारे बक्सों में पैसे भरे जाएंगे, उनके बाद सील किया जाएगा, उसके बाद यहाँ सीधे सारे बक्सों में पैसे भरकर जो है वो बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहांगीर के आवास के बाहर की, जहाँ पर जहांगीर का ये वह आवास है जहाँ पर बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं और कैश बरामद होने के बाद ही लगातार ईडी के अधिकारियों के साथ साथ पीएनबी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे बने हुए हैं और इन तमाम लोगों के द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि इन बक्सों पर जो है पैसे भरा जाए और उसके बाद इन बक्सों को सील किया जाएगा और फिर इसी गाड़ी के माध्यम से इन तमाम पैसों को जो है पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। तो ये हम 6 बक्सों की तस्वीर दिखा रहे थे, 6 बक्से जो है यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। इन 6 बक्सों में कैश को जमा करने की तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है। हमारे सहयोगी कैश जो है वो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग बक्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 6 बक्सों में जो है वो पैसे भरने के लिए मंगाए गए हैं। इन बक्सों में जो है पैसे को भरा जाएगा और भरने के बाद इन बक्सों को जो है सीधे बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। अब तक जो जानकारी मिल रही है राजधानी रांची के 6 जगहों पर अब से 6 जगहों से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है जहांगीर के ठिकाने से तकरीबन 40 करोड़ रुपए जो है वह बरामद किया गया है और पैसे को नोट गिनने की 2 मशीन मंगाई गई थी। नोट गिनने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आधा दर्जन से अधिक बक्सों में पैसों को भर के जो है वो पीएनबी बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। सहयोगी कैश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। तो रांची के पीपी कंपाउंड स्थित बिल्डर मुन्ना सिंह के घर पर भी ईडी की दबिश पड़ी है। तेजस्विनी अपार्टमेंट से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां से करीब 3 करोड़ कैश मिले हैं। तो मुन्ना सिंह का संबंध आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल से बताया जा रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।